नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अटल पेंशन योजना जो है कराया हुआ है तो आपको जरूर जो है चेक करना चाहिए कि हमारे अटल पेंशन योजना के अकाउंट में जो है टोटल कितना रुपया हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है कितना रुपया मिल रहा है। हमारे अटल पेंशन योजना अकाउंट में अब जब तक ले मैंने ओपन किया हुआ है टोटल कितना रुपया हुआ है यह भी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप अपने अटल पेंशन योजना अकाउंट का स्टेटमेंट जो है अपने फ़ोन से जो है निकाल सकते हैं। तो सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बनवाटे। चैनल पर नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। APY अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करने के लिए आप लोग को प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, आप वहाँ से भी जाकर ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को जो है ओपन कीजिएगा। तो ओपन करने के बाद आपके सामने स्क्रीन जो है इस प्रकार ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको प्राण नंबर जो है डालना होगा। तो प्राण नंबर अगर आपको नहीं पता है कि कैसे सर्च करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जो है देख कर प्राण नंबर को जो है पता कर सकते हैं। नहीं तो जो आपने जहाँ पर भी APY कराया होगा वो कराया हुआ है तो वहाँ पर जो भी पर्ची मिलता है तो वहाँ पर जो है प्राण नंबर जो है लिखा हुआ होता है। तो चलिए हम अपना यहाँ पर प्राण नंबर जो है इंटर करेंगे। इसके बाद लॉगिन वाला ऑप्शन पर जो है हम क्लिक करेंगे। आपने जो प्राण नंबर जो है इंटर किया हुआ है उस पर जो है OTP गया है, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर OTP गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। अगर आप में OTP नहीं आ रहा है तो रीजनरेट करके दोबारा जो है आप OTP मंगा सकते हैं। तो चलिए हम OTP जो है इंटर करते हैं। अप्लीकेशन जब ओपन कर लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि ये जो है आपका टोटल अमाउंट जो है हो गया है आपके APY अकाउंट में। यहाँ पर देखिए जो है डेट भी बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए हमको अपने अकाउंट का जो है स्टेटमेंट निकालना है तो वो भी हम बताने वाले हैं। कुछ और जो है वेट आपको करना होगा। यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि आपको कितना रुपया जो है कट रहा है, इसके बाद कितना रुपया जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है मिल रहा है, वो भी जो है आप यहाँ से आप वैल्यू जो है चेक कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद चलिए हम अपने अकाउंट का जो है स्टेटमेंट निकालना है APY का। तो आपको 3 डॉट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। तो 3 डॉट जो है ऊपर में दिया गया है तो इस वाला ऑप्शन पर जो है हम क्लिक कर लिए। इसके बाद हमें जो है इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट। तो ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमें जो है यहाँ से चूज करना होगा कि हम किन कौन से साल का जो है स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा जो है ऑप्शन दिया गया है। देखिए आप जित आपने जब से जो है APY कराया हुआ है वो शुरू से लेकर अंत तक अपने अकाउंट का जो है स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो चलिए हमें स्टेटमेंट जो है ये वाला देखना, 20 to 21 है, 19 to 20। तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक किए, इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट जो है आपको डाउनलोड करना होगा तभी तो जो है आप देख पाइएगा। तो चलिए हम डाउनलोड वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे। तो ये इस वाला ऑप्शन पर जो है मैंने क्लिक कर दिया, ये जो है PDF रूप में जो है डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए हम डाउनलोड होने दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपके अमाउंट कट रहा है वो कौन सा बैंक से कट रहा है। यहाँ पर देखिए मंथ भी बताया जा रहा है कि इस मंथ में जो है इतना रुपया कटा हुआ है। अगर आपका लेट फाइन भी लगा हुआ है तो यहाँ पर देखिए जो लेट फाइन जो है बताया जा रहा है कितना रुपया जो है लेट फाइन लगा हुआ है, कटने के बाद कितना रुपया जो है कटा हुआ है, कटने के बाद टोटल कितना अमाउंट हुआ है तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है। नीचे में जो है टोटल आपका जोड़ कर जो है बताया जा रहा है टोटल में। इसके बाद कितना अमाउंट जो है कटा हुआ है यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ये जो है आप साल भर का जो है स्टेटमेंट निकाले हुए हैं। तो आई होप आप यहाँ से जो है चेक कर लिए होंगे कि आपके अकाउंट में जो है APY अकाउंट में कितना रुपया जो है टोटल हुआ है, आप यहाँ से स्टेटमेंट जो है पूरा देख लिए होंगे। इसके बाद ऊपर में देखिए बताया जा रहा है कि आप मार्च 2020 में जो है टोटल आपका जो है 631 रुपया जो है जमा हुआ है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक करना है। मन में डाउट चला होगा तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके आप मुझसे जो है सवाल पूछ सकते हैं।